हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप सकते हैं कि मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी तरीके से मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनके आंसर्स आपको निकालने होंगे। मैंने आपकी सुगमता के लिए इन्हें पॉइंट वाइज तैयार किया है। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है, तो ये कौटिल्य ने किया है। दूसरों की जीतने की इच्छा रखने वाला राजा विजिष्कु कहलाता है, ये बात आपको याद रखनी है। यदि मंडल सिद्धांत में जो शक्ति है, शक्ति के आधार पर राज्य की संरचना की जाती है और एक राजा जो कि शक्ति के आधार पर सबको एक करने वाला समझा जाता है वो विजिष्कु कहलाता है। विजिष्कु के रास्ते पर अब जो एक राजा है जो सबको अपने साथ लाना चाहता है, अगर उसके रास्ते पर कोई भी राजा आएगा तो उसे हम अरि कहेंगे। यहाँ पर हरि लिख गया है, ये अरि है दुश्मन, और अरि का पड़ोसी शत्रु देश यानी शत्रु का शत्रु विजिष्कु का मित्र होता है। तो इस तरीके से मंडल सिद्धांत में आपको विजिष्कु याद रखना है, अरि याद रखना है और शत्रु का शत्रु विजिष्कु का क्या है ये भी आपको याद रखना है। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ में आप देखें तो 1750 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक सभ्यता रही है। उसके बाद 1750 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग्वैदिक काल रहा है, जिसमें कि हमारे ऋग्वेद का संकलन किया गया है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारी उत्तर वैदिक काल की अवस्था रही है और उत्तर वैदिक काल को इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। तो देखें तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हमारा ऋग्वेद का काल और एक हमारा उत्तर वैदिक काल। तो इस तरीके को आप देख लें, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है और अन्य वैदिक साहित्य वैदिक उत्तर वैदिक काल में रचा गया है। चार्वाक दर्शन, तांत्रिक और बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय कालांतर में हुआ है, ये भी उत्तर वैदिक काल में माने जाते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को देखें, वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद सबसे नवीन वेद है, इस बात को याद रखेंगे। वेदों का क्रम पूछा जा सकता है तो ऋग्वेद को एक, सामवेद को दो, अथर्ववेद को तीन और यजुर्वेद को चौथे नंबर पर रखेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है जिसमें सविता सूर्य की उपासना की गई है, ये बात याद रखेंगे। इसमें 1028 सूत्र पाए जाते हैं। वैदिक साहित्य एवं धर्म की उदय की संकल्पना मैक्स मूलर ने की है, स्थान की व्यवस्था भी मैक्स मूलर ने बताई है। ऋग्वैदिक काल में करीब 1200 ईसा पूर्व के करीब ऋग्वेद काल का की रचना मानी गई है, यानी ऋग्वेद काल को 1200 ईसा पूर्व रचा गया है। इन्हें हम अपौरुषेय भी कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। आर्यों के एशियाई मध्य मूल निवास आर्य सभ्यता के कारण विकसित रमणीय सभ्यता कहलाई है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में कुल है, कुल से मिल करके जो लोग हैं वो ग्राम बनाते थे, ग्राम से मिलकर के विश्व बनता था और विश्व से मिलकर जन बनता था और जन मिलकर के राष्ट्र बनते थे। तो इस तरीके से कुल को हम एक नंबर, ग्राम को दो नंबर, विश्व को तीन नंबर, जन को चार नंबर और राष्ट्र को पांच नंबर पर रख सकते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में है, सबसे विकसित इकाई राष्ट्र है और सबसे छोटी इकाई कुल है, इसका मुखिया कुलप कहलाता था। ऋग्वैदिक सभ्यता में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, ये बात याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी और सरस्वती नदियों के बीच का स्थान उत्तर वैदिक काल में पाया जाता है, यानी उत्तर वैदिक काल में ये नदियों का स्थान है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती मानी गई है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है वो केवल एक बार है, एक बार गंगा का उल्लेख हुआ है, ये बात याद रखेंगे। जाति का आधार व्यवसाय था उत्तर वैदिक काल में, शुरुआत में जाति के लिए हम व्यवसाय के आधार पर जाति का चयन करते थे। अब हम उत्तर वैदिक काल की स्टडी करेंगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय, व्यवसाय के आधार पर वर्ण न होकर के जन्म के आधार पर होने लगे, यानी किसी भी जो क्षत्रिय का बेटा था वो क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण का बेटा था वो ब्राह्मण हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा सैनिक भावना के आधार पर शासन नियंत्रित करता था, राजा को गोमत भी कहा गया है। राजा का पद यहाँ पे वंशानुगत हो गया था, वंशानुगत का मतलब पिता के बाद उसके बेटे का हक है, यानी राजा का चुनाव नहीं होता था, उत्तराधिकार से राजा बनता था, पिता की मृत्यु के बाद बेटा विरासत पाता था। सभा और समिति, विदत, ये विद्युत लिखा हुआ है, यहाँ विदत है, इसे आप याद रखेंगे, विदत था है यहाँ पर, विदत प्रशासनिक संस्थाएं थी।
आर्य अथर्ववेद में सभा और समिति को राजा की दो पुत्रियां कहा गया है, ये बात याद रखेंगे। समिति राजा का चुनाव करती थी और समिति का प्रधान ईशान कहलाता था। विदत में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा में विद्वत का ये बार बार विद्युत लिखा है, ये विद्वत है, इसके लिए मुझे क्षमा करें, ये विद्वत है का प्रयोग 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन गण सर्द कबीलाई संगठन करते थे, तो सैन्य संचालन कबीलियाई संगठनों द्वारा होता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महान बन जाता था। राजसूय यज्ञ करने पर वो राजा कहलाता था और जब ये वाजपेयी यज्ञ कर लेता था तो वो सम्राट बन जाता था। स्पर्श ये गुप्तचर संस्थाएं होती थी। पुरुष को दुर्गपति कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए 122 रत्निन हुआ करते थे। ये 122 न होकर के 12 रत्निन है और इनकी प्रमुख स्थापना देख लें। पुरोहित जो था राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। ये सारी की सारी जो व्यवस्था है वो वैदिक सभ्यता की है, ये बात याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता, यहाँ पर वैदिक सभ्यता की ये बात है। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामणी ग्राम सैनिक था। महिषी राजा की पत्नी होती थी, ये भी आपकी सभा का एक प्रमुख अधिकारी मानी जाती थी। सूत राजा का सारथी छत्री प्रतिहार होता था। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था, खजांची के खजाने की रक्षा करने वाला। भागदूत कर टैक्स कलेक्ट करने वाला कर संचय अधिकारी होता था। अक्षवाप लेखा अधिकारी होता था। गोविकुल वन का अधिकारी होता था। पालागल राजा का मित्र होता था। सामाजिक स्थिति किस तरीके की थी इस विषय पर आप चर्चा नीचे करेंगे। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था कार्य कर्म पर आधारित थी। 10वें मंडल को परवर्ती काल कहा गया है, यानी 10वें मंडल से उत्तर वैदिक काल की संरचना शुरू हो जाती है। इस कारण इसमें ज्वाइंट माना जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल का है। समाज पितृ सत्तात्मक था। पिता की प्रधान होते थे। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। परिवार कुल होता था, कई कुल मिलकर के ग्राम, फिर वेश, फिर जन और कई जन मिलकर के जनपद बनते थे। अतिथि का संस्कार अतिथि संस्कार की परंपरा सबसे महत्वपूर्ण होती थी। एक और वर्ण पणियों का था। ये धनी व्यापारी हुआ करते थे, इनको पणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पणी कौन थे। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी, यानी गाय के आधार पर संपत्ति की गणना होती थी। विनिमय का माध्यम भी करते थे। सारथी और बढ़ई समुदाय लोगों को विशेष स्थान प्राप्त था। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल प्रथा का प्रचलन नहीं था। शिक्षा और वर चुनने का अधिकार महिलाओं को भी था। विधवा विवाह, महिला उपनयन संस्कार, नियोग प्रथा, गंधर्व प्रथा, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। वस्त्र आभूषण स्त्रियों दोनों को प्रिय थे, यानी पुरुष और स्त्रियां दोनों वस्त्र और आभूषणों का प्रयोग करते थे। यव मुख्य अनाज हुआ करता था। शाकाहार का प्रचलन था। सोमरस प्रमुख अमृत पदार्थ जैसा था, जिसे कि विशेष अवसरों पर पिया जाता था। नृत्य संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध, सेकर आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अपाला, घोषा, मैत्रेयी, विश्वरा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं थीं, यानी ये प्रमुख ज्ञानी महिलाएं मानी जाती हैं। ऋग्वेद में अनार्यों को मूर्ख और दृश्य कहा गया है। मृदवाय इनको बोला गया है, जो अस्पष्ट बोलते थे। आवृत नियमों का पालन नहीं करने वाला इनको कहा गया है। सर्वप्रथम जाबाली उपनिषद में 4 वर्णों की बात कही गई है, जिसमें गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम का वर्णन है। आर्थिक स्थिति किस तरीके की होती थी। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि एवं पशुपालन था। ज्यादा पालतू पशु रखने वाले गोमत कहलाते थे। चरागाह की उत्पत्ति गव्य शब्द से हुई है। दूरी को गौयुति, उत्तरी को दुहिता और युद्धों के लिए गविष्ठ का प्रयोग किया गया है। इनके नामों को वहां पर पूछा जा सकता है। राजा को जनता स्वेच्छा से भाग नजराना देती थी, यानी राजा को जनता के द्वारा दिया जाने वाला कर नजराना कहलाता था। आवास घास फूस और कास्ट यानी लकड़ी के होते थे। ऋण देने और ऋण लेने की प्रथम प्रथा कुशीदिन कहलाती है। कुशीदिन यहाँ पे खुर्शीद हो गया है, हिंदी कन्वर्जन में डिस्टर्बेंस है, कुशीदिन कहलाती थी। बैलगाड़ी, रथ और नव यातायात के नाव यातायात के साधन थे। ये नाव है, नाव यातायात के साधन थे। मुगल कालीन व्यवस्था को अब स्टडी करेंगे।
मुगलकालीन न्याय व्यवस्था में दीवानी मामलों पर दावा करने वाला व्यक्ति सक्षम व्यक्ति के प्रमुख सम्मुख अपना दावा पेश कर सकता था। विपक्षी दावे को स्वीकार कर सकते थे या अस्वीकार कर सकते थे। अदालत के मुखिया खुले न्यायालय में मामले को सुनते थे। फौजदारी मामले में इस्तगासा शिकायत पत्र हुआ करता था, ये याद रखेंगे। मुअत्सिब लोक अभियोजक हुआ करता था जो इस्तगासा प्रस्तुत करता था। साक्ष्य लेने के लिए मुलजिम को बुलाया जा सकता था। आगे देखते हैं, सबूत के आधार पर दो गवाह आवश्यक होते थे, यानी किसी केस में साबित करने के लिए दो गवाहों की आवश्यकता होती थी। चश्मदीद गवाह के अलावा धर्मावलंबी के स्थान पर मुसलमान गवाह को महत्व दिया जाता था। गवाह होने के लिए बालिग होना, निष्पक्ष और सच्चरित्र होना आवश्यक था। दंड के लिए चार प्रकार के दंड मुस्लिम व्यवस्था में प्रचलित थे, जिनमें हद, ताजिर, तशहीर और किसास हुआ करते थे। हद खुदाई आदेश होते थे जिनकी अवहेलना नहीं हो सकती थी। ताजीर का अर्थ निराकरण होता है, जिनका उद्देश्य अपराधी में सुधार करना होता था। तहसीर सार्वजनिक निंदा के लिए दिए जाते थे। और किसास का अर्थ बदला लेना होता था, जो हत्या और मानवत के लिए दिए जाते थे। अब हम कौटिल्य के संबंध और विचार को देखेंगे। तो राज्य व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार हैं? कौटिल्य का संबंध हमारा मौर्य वंश से है, तो इसलिए हम मौर्य वंश की स्थापना देख रहे हैं। कौटिल्य का जन्म 375 ईसा पूर्व हुआ था। 300 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और प्रख्यात कूटनीतिज्ञ थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ के आचार्य थे, तो ये तक्षशिला के आचार्य थे, ये बात याद रखना है आपको। कूटनीति आचरण के आधार पर चार सिद्धांत साम दाम दंड भेद की व्यवस्था कौटिल्य ने बताई है। साम का मतलब समझाना, दाम का मतलब धन देकर संतुष्ट करना, दंड का मतलब बल प्रयोग करना और भेद का मतलब फूट डालकर अपना कार्य सफल करना माना जाता है। अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की स्थापना, राज्य सिद्धांत की स्थापना कौटिल्य ने की है। स्वामी इसमें राजा है, इसके सात चरण हैं। स्वामी राजा है, अमात्य मंत्री राजा की आंखें हैं, जनपद भूमि एवं जनसंख्या के भाग हैं, दुर्ग किला राजा की बाहें हैं, कोष राजा के मुख के समान है, दंड या सेवा राजा का दिमाग है जिसके माध्यम से राजा अपना काम करता है, साध्य मित्र राजा के कान हैं। मुगलकालीन व्यवस्था में प्रधान स्वरूप में केंद्रीय व्यवस्था है। शहंशाह स्थायी रूप से स्वामी होता था। शहंशाह की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद गवाहों का प्रमुख, गतिविधियों का प्रमुख होता था। वकील जिसे वकीले मुतलक कहा गया है, शासन के कार्यों को देखने वाला होता था। दीवान या वजीर राजस्व नियंत्रित करता था। मीर बख्शी के पास दीवाने आरिज के समस्त अधिकार होते थे। सद्र सुदूर जिसे कि धार्मिक मामलों का प्रमुख माना गया है। मीरे समा दैनिक भोजन व्यवस्था देखता था। बहु तात ये मृत पुरुषों के धन और संपत्ति की व्यवस्था का देखता था। प्रधान काजी काजी उल कुजत इसको कहा गया है, ये धार्मिक मामलों का देखरेख करता था। मुअत्सिब न्यायपालिका का प्रमुख होता था, आम जनता को दुष्चरित से बचाने वाला होता था। यही व्यक्ति औरंगजेब के समय मंदिर तोड़ने वाला माना जाता था। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी? गुप्तकाल में न्याय व्यवस्था के समुचित उपबंध किए गए थे। गुप्तकालीन व्यवस्था में चार प्रकार के न्यायालय थे, राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी एवं हूल। तो न्यायालय चार प्रकार के थे गुप्तकाल में। दंड कठोर एवं दंड नायक, सर्वदंड नायक और महादंड नायक न्यायाधीश हुआ करते थे। निम्न स्तर पर न्याय समिति निपटारा करती थी, परिषदें और संस्थाएं भी हुआ करती थी। मंत्री एवं पुरोहित न्यायिक मामलों में सहायता किया करते थे। सामाजिक व्यवस्था को देखें तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत चार वर्गों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभाजित था। इस काल में वर्ग व्यवस्था यह थी कि शूद्र अब सैनिक में मार्ग को अपनाने लगे थे, यानी शूद्रों को अब सैनिक के तौर पर भर्ती किया जाने लगा था। वेन सांघ के विवरण से विदित होता है कि मतिपुर का राजा शूद्र था। राजा समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मणों के छह कर्तव्य थे, अध्ययन अध्यापन यज्ञ करना दान देना दान लेना। न्याय संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से, वैश्य की परीक्षा जल से और शूद्र की परीक्षा विष से की जानी चाहिए। ये न्याय संहिता की बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस काल में ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को शूद्र का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका आध्यात्मिक बल घटता है, यानी उसकी अध्ययन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। मनु के अनुसार 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ था। ये बात मनु स्मृति के अनुसार है,
आधुनिक समय में ऐसी व्यवस्था थी या इसका कोई व्यवसायिक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्रमशः पिता और तुल्य हुआ करते थे। ब्राह्मण को पिता और क्षत्रिय को उसका पुत्र कहा गया है। नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्र का कर्म बताया गया है, यानी हर शूद्र को कृषि कार्य के लिए उपयोगी बताया गया है। अमरकोश में शिल्पियों को शूद्र वर्ग में स्थान दिया गया है। गुप्त काल में कायस्थ जाति का उदय हुआ है। कायस्थ प्रारंभ में लिपिक वर्ग माना जाता था, जो कार्य लिपिक का कार्य करने वाले थे, आगे एक जाति के रूप में विकसित हो गए। नारद ने 15 प्रकार के, नारद संहिता में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। फायान के अनुसार अछूत नगर और बाजार के बाहर इकट्ठे थे। मंद इस्मत में देवदासों के सेनापति के विषयक अधिकारों पर चर्चा की गई है। गुप्त काल में स्त्रियों की व्यवस्था में गिरावट आई है। सामान्यतया 12 से 13 वर्ष की अवस्था में स्त्रियों का संबंध कर दिया जाता था। स्मृतियों में लड़कियों के पुनयन एवं वेदा चयन का निषेध किया गया है। देवदासी प्रथा का प्रचलन था, ये गुप्तकालीन की बात है। इस काल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। हालांकि नारद और परामर्श स्मृति में विधवा विवाह का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में सती प्रथा शुरुआत में मानी जाती है, क्योंकि सती प्रथा के पहले अभिलेख 510 ईसा में भानुगुप्त के अभिलेख से मिलते हैं। गुप्तकालीन साहित्य और कला में नारी का आदर्शमय चित्रण है, परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। गौतम ने वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री को उग्र कहा है। स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय पुरुष और शूद्र की संतान को भी उग्र कहा गया है। इस प्रति में अंत्यज एवं चांडालों के भी प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न बताया गया है। आर्थिक व्यवस्था गुप्तकाल की, गुप्तकाल में आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का काल था। इस काल के लोगों का जीवन समृद्धिपूर्ण था। गुप्तकाल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। बृहद संहिता में 3 प्रकार के फसलों की जानकारी मिलती है। इत्सिंग के अनुसार चावल और जौ प्रमुख फसलें थी। कालिदास ने ईख और धान की खेती का भी उल्लेख किया है। प्रारंभिक परंपरा के अनुसार राजा भूमि के उत्पादन का 1/6 भाग कर लेता था। राजा को दिए जाने वाले कर गुप्त काल में प्रमुख हैं। भाग ये एक कृषि का 1/6 भाग होता था। भोग राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला कर होता था। उद्रंग भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। उपरिकर भी भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। तावात विदेशी वस्तुओं से आयात पर लगाया जाने वाला कर था। उपयुक्त करों के अतिरिक्त हिरण्य प्रणय आदि करों का भी उल्लेख मिलता है। करों की अदायगी हिरण नगद के रूप में, मेय अन्न के तौल के रूप में होती थी। अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि करों का उल्लेख मिलता है। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जौनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी का यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण के सिक्के जारी किए। इन स्वर्ण के सिक्कों को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। चांदी के सिक्कों को स्थानीय लेन देन में प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल की व्यापारिक गतिविधियां, श्रेणी, मोहरें आदि जानकारी मिलती है। व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे नियम कहा जाता था। नियम के प्रधान को श्रेष्ठ कहा जाता था। व्यापारिक समूहों को सार्थ और उनके प्रमुखों को सार्थवाह कहा जाता था। नहर सेष्ठिन, नगर सेष्ठिन बैंकरों को कहा जाता था और साहूकारों के रूप में काम करते थे। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। वस्त्र उद्योग गुप्तकाल का मुख्य उद्देश्य था। अमरकोश में कटाई हथकरघा धागे आदि का संदर्भ आया है। गुप्तकाल में विदेशियों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। इनमें बैजेंटाइन साम्राज्य और चीनी प्रमुख थे। विदेशों को निर्यात की जाने वाली सर्वाधिक वस्तुओं में मसाले और रेशम हुआ करते थे। तो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। बाकी के अध्ययन के लिए चैनल के साथ बने रहें।